भूख लगी क्या? बहुत ज्यादा। अरे म्यूट कर रहा है, देखो चिमाना वहाँ गया। फाइनली रिसोर्ट पहुँच चुके हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि गूगल मैप पता नहीं हमें कहाँ कहाँ घुमा रहा था, इधर से उधर, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो गया। बट हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब वो दो दो मिनट बचाने के चक्कर में इतनी गलियों से वो हमें लेके आ रहा था। फिर फाइनली हमने सारी चीज़ें छोड़ी, हमें जो मतलब नैन को जो रास्ता पता था हाईवे का वो हमने स्ट्रेट लिया सो दैट कि हमें गलियों से ना जाना पड़े। तो फिर हम लोग अभी रिसोर्ट पहुंच चुके हैं, मैं स्टे कर रही हूँ तरंगी रिसोर्ट में यहाँ पे जिम कॉर्बेट में। तो अभी जो प्लान है वो है सिर्फ लंच का क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद रास्ते में थोड़ी चीज़ें मैं साथ में लेके आई थी स्नैक्स में, बच्चों ने भी वही खाया, मैंने भी वही खाया। तो अभी जस्ट लंच करेंगे, लंच के बाद विल सी कि क्या करते हैं। बाकी तो रिसोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से और डिटेल में बता दूंगी आपको। और इवनिंग में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि रिवर साइड है तो काफ़ी अच्छा खासा रिवर दिख रहा है यहाँ से, तो इवनिंग में वहीं पे जाके बैठ के चाय कॉफ़ी इनका मज़ा लेने का हमारा जो है वो प्लान है आज का, और कल का प्लान है जंगल सफारी का। टिल देन चलो करते हैं लंच। बाकी लोग ऑलरेडी लंच टेबल पे जा चुके हैं। दी एक्चुअली जो हमारे साथ हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। क्या क्या खा लिया बच्चे आपने? यही लिया है मेरा बच्चा, मेरा चम्मच लेके वापस रखवा रहा है और खुद का खाली चम्मच लेके मुंह में चबा रहा है, चम्मच चबा रहा है।
आप तो फैला लिए दोनों हाथ पहले After taking some rest, हम लोग आए हैं रिवर साइड पे. हाई टी थी वहाँ पे, हमने टी एंड स्नैक्स इन्जॉय किया और वहाँ पे कुछ फोक डांस और प्रोग्राम्स हो रहे थे, वो हमने इन्जॉय किया जो अभी भी हो रहा है. बट देन हमने सोचा कि थोड़ा सनसेट इन्जॉय करना है और सनसेट के लिए हम लोग जो है वो रिवर साइड पे आए हुए हैं. जो ये प्रॉपर्टी है ये कम्प्लीटली रिवर के पास ही है, रिवर फेसिंग प्रॉपर्टी है, तो इसलिए रिवर एकदम पास में है. तो हम लोगों ने उन्होंने स्टेयर्स वगैरह भी अच्छे खासे बना रखे हैं रिवर तक आने के लिए, वो किया है. सो अभी वी आर इंजॉइंग रिवर साइड, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे और इंजॉय करेंगे. यू कैन सी द व्यू.